हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डेलिकेसीज ऑन द प्लेट टेस्ट एज नेवर बिफोर में। आज मैं आपको बताऊंगी पनीर की एक बहुत ही स्पेशल चाइनीज़ रेसिपी। इसे मैंने एक बार रेस्टोरेंट में खाया था और बहुत ही टेस्टी था, तो इसे मैंने घर पर बनाया और टेस्ट इसका काफ़ी हद तक उसी तरह है। तो ये है बर्न्ड गार्लिक चिली पनीर, जिसके लिए मैंने लिया है आधा बोल मैदा और 4 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें मैंने चावल का आटा डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। फिर पानी थोड़ा थोड़ा डालकर एक विस्कर की सहायता से एक गाढ़ा घोल बना लेना है। विस्कर से इसे बीट करने पर इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। तो ये देखिए, विस्कर की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। इस बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम सही होगी तभी जाकर इसकी अच्छी कोटिंग पनीर पर बनेगी। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा इसमें तो कोटिंग अच्छे से पनीर पर नहीं बन पाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और डाला और विस्कर की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भी ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 2 टेबल स्पून पानी और डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है, मैदा और कॉर्नफ्लावर का घोल बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर और इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट के तैयार कर लिया है। करीब 1 इंच की लंबाई में पतले पतले स्ट्रिप्स काट के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा बैटर भी बन के तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल मीडियम हीट पर गरम कर लें और उसके बाद इन पनीर के क्यूब्स को मैं इस बैटर में डालकर इसे अच्छे से इस बैटर से कोट कर लूँगी और फिर इन्हें सुनहरा होने तक तेल में फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हर एक स्ट्रिप्स को अलग अलग करके इस बैटर में डाल दें। तो अब मैंने यहाँ पर एक फोक की सहायता से एक एक पनीर के स्ट्रिप्स को तेल में डालना शुरू कर दिया है। इससे बैटर काफ़ी कम वेस्ट होगा, पनीर में अच्छे से कोट होने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक एक करके पनीर के स्ट्रिप्स को तेल में डालें और सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है। इससे ये पनीर बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और हमारी जो डिश है बहुत टेस्टी बनेगी। कढ़ाई में डालने के बाद एक तरफ से करीब 2 से 2.5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लें। उसके बाद इनको पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़े फ्राई हो गए हैं, तो इनको मैं पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से इनको तेल में पलट कर फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारा पनीर जो है फ्राई होके तैयार हो गया है। इसके बाद इनको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। सारे पनीर स्ट्रिप्स फ्राई कर लेने के बाद एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है करीब 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और उसमें डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच तेल। तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसे ज़रूर डालें। अब मैंने यहाँ डाल दिया है 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और इनको सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें कि इस डिश में स्पेशली लहसुन को अच्छे से फ्राई करें ताकि इसका जो फ्लेवर है बर्न्ट गार्लिक वाला वो अच्छे से आए इस डिश में। तो यहाँ पर मैं इस लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च इस तरह से पतले स्ट्रिप्स में काट कर, ताकि अगर बच्चों को खाना हो तो मिर्च को आसानी से अलग कर सकें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च को एकदम बारीक काट के तड़के के तौर पर लहसुन के साथ ही डाल सकते हैं। लहसुन अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चाइनीज़ में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं, इन्हीं पर चाइनीज़ का पूरा टेस्ट डिपेंड करता है। ये फ्राई हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटा बोल हरा प्याज ले लिया है, तो जो प्याज वाला हिस्सा है उसे डाल दिया है। इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर इनको फ्राई कर लेना है। इस स्टेप के बाद ये ध्यान में रखें कि हम चाइनीज़ बना रहे हैं तो सब्ज़ी तेज़ आंच पर ही फ्राई करें ताकि उसका कुरकुरापन बरकरार रहे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पतले स्ट्रिप्स में कटा हुआ गाजर ले लिया है, उसे डालकर इनको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी करीब 2 मिनट के लिए। तेज़ आंच पर ही इनको भी भूनना है। अब मैंने यहाँ पर 3 तरह की शिमला मिर्च ले ली है, लाल, पीली और हरी। इनको मैंने पतले स्ट्रिप्स में काटने के बाद तिरछा काट लिया है, तो ये इस तरह से
इस डिश में फिनिशिंग के बाद काफ़ी टेम्पटिंग दिखेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया है बारीक काट कर, इनको भी मैं सब्जियों के साथ थोड़ा सा भून लूँगी तो इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को डाल दिया है और इनको 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी कुछ सॉस, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच सोया सॉस, इनको डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली सॉस करीब 2 बड़े चम्मच, इसके बाद इसमें मैं डालूँगी टोमेटो सॉस करीब 2 बड़े चम्मच। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते रहें, ये सारी सॉसेस इस डिश को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, तो इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब जो घोल मैंने बना कर रखा था कोटिंग के लिए वो थोड़ा सा बच गया है, तो मैं इसी को थोड़ा सा इस तरह से एक बोल में लेकर करीब 3 बड़े चम्मच मैंने ये घोल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और पतला करूँगी और इसी को मैं कॉर्नफ्लावर की तरह यूज़ करने वाली हूँ। इसमें तो कॉर्नफ्लावर ऑलरेडी है और मैदा भी काफ़ी सॉसेज में यूज़ किया जाता है, तो इसे यूज़ हम कर सकते हैं। अगर बैटर ना बचे तो आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर इस तरह से बोल में लेकर आधा कप पानी डालें और इसका एक घोल बना लें। फिर इसको हम कढ़ाही में डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इनको पकने के लिए छोड़ दें। जैसे जैसे ये पकेगा ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और इसमें एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच रेड ऑरेंज फूड कलर। ये फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो एक परफेक्ट रेस्टोरेंट वाला लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच रेड ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है और इसे थोड़ा सा और गार्लिक ही फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच शेजवान चटनी का यूज़ किया है। ध्यान रखें कि शेजवान चटनी बनाते समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन का यूज़ किया जाता है और जब भी आपने उसे टेस्ट किया होगा तो शेजवान चटनी में काफ़ी खुल कर वो लहसुन का टेस्ट आता है। अब मैंने यहाँ डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने आँच को बंद कर दिया है। सॉस हल्का सा ठंडा होने के बाद ही मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूँगी, जिससे कि पनीर की जो कोटिंग की क्रिस्पीनेस है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो सॉस है ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ पनीर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल दूँगी तो इसका क्रंचीनेस भी इस डिश को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब आखिर में इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच विनेगर, इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमारा यहाँ पर बॉन्ड गार्लिक चिली पनीर बन के तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म परोसें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना है ये। तो आप इसे छोटी मोटी किटी पार्टीज़ के लिए या डिनर पार्टीज़ के लिए भी बना सकते हैं। अब मैं इसे एक सर्विंग ट्रे में निकाल लूँगी, आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज और थोड़े से तिल इस पर छिड़क लूँगी, तो जिससे ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।